राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैंने व्लॉग में आप सबका स्वागत है। एक और नया व्लॉग लेके आई हूँ आप सबके साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज ये बेड शीट मैंने उल्टी बिछा दी। ये है इस साइड से, लेकिन ये मैंने इस साइड से बिछा दी। ये अब खिसकती कम है, इस साइड से खिसकती ज़्यादा है। एक मिनट मतलब ऐसे बैठ जाओ तुरंत खिसक जाएगी। और आज मैंने ये बनाए हैं, मैंने क्या बेटे ने बनाए हैं, ये बनाए हैं और दिखाती हूँ ये बनाया है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अंदर का बचा हुआ है, कुछ लिखना है और ये चिपकाना भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये बनाए हैं, एक ये है ऐसे छल्ला, और एक ये है, इस पे भी थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे कुछ चिपकाना है, उस पे लिखना है कुछ, वो लिखेगा। ये ऐसे खुलता है। एक ये बनाया है, ये ब्लू कलर का है, देखिए ये बनाए हैं ब्लू रेड और ये सिल्वर। और ये बेटे ने तो बनाए हैं ये, और बेटी ने भी कुछ बनाया है लेकिन कहाँ रख के गई है पता नहीं। इसके कपड़े में रखती हूँ। अरे एक बनाया है ये, इस पे कलर कर दिया है, ये सूख रहा है, ये उल्टा हमारा जुगाड़ है माँ बेटे का, तब जाके ये सूख रहा है। इधर से ऊपर से भी पेंट कर दिया उसने। और बेटी ने बनाया है ये कोलकाता का ब्रिज, ये देखिए ये सीढ़ी है पीछे से। और एक बनाया है ये उल्टा है, ये इस साइड से, ये भी सीढ़ी है पीछे से। देखिए कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी लगे। ये देखिए ये बनाया है, और एक वो पोट है, कमेंट करके बताना कौन सी अच्छी लगे, कौन सी अच्छी लगेगी। देखो थोड़ी थोड़ी हेल्प तो करनी पड़ती है बच्चों की। इसमें की थी और इसमें ये जोड़ने के लिए की थी मैंने, बस बेटी को कुछ नहीं बताया मैंने, बेटी ने अपने आप कर लिया। बेटे को ही बताना पड़ता है। देखिए शाम के बजने वाले हैं 5। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। बच्चे गए हैं खेल प्रैक्टिस में और अभी सिलूंगी सूट, अभी टाइम है तो अभी सूट सिलूंगी ये वाला। इसमें ब्लैक आ रहा है लेकिन ये ग्रीन कलर है, अभी भी वो कलर नहीं आ रहा जो है, तो ये सिलना है मुझे। इसका डिज़ाइन बनाऊंगी, गले का कैसा दिखाऊं, ऐसा डिज़ाइन बनाना है मेरे को। बैक ऐसा डिज़ाइन बनाना है मुझे, ये पुराना हो गया है मेरे सूट, लेकिन ऐसा डिज़ाइन बनाना बाजुओं पे भी। इसकी आप बाजू है उसकी 3/4 की करनी है। ये कलर बच्चे ने आए तब तक फटाफट सिल लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। अब बज गए हैं 7, मैं बनाने जा रही हूँ खाना।
ये देखिए इसमें सोचा कुछ नया करती हूँ, तो घिया के कोफ्ते बना रही हूँ। तो देखिए रेसिपी, बेसन, हरी मिर्च, नमक, अजवाइन और धनिया पाउडर डाल दिया है, तो उसका ये पेस्ट बना लिया मैंने। और फिर गोलियां बना बना के, जैसे गुलाब जामुन होती है ना, उस टाइप से गोलियां बना ली मैंने। रखते बेटा, मंदिर में जा रही, जाओ। ठीक है, फिर गोलियां बना ली है मैंने, और ये धीमी आंच पे ही सेक रही हूँ, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो धीमी आंच से ही सेक रही हूँ। देखो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, एक तरह से घिया के पकोड़े टाइप से होगा। और फिर ग्रेवी बनाऊंगी, पहले ये बनाऊंगी फिर ग्रेवी बनाऊंगी, तो मिलती हूँ बाद में। सभी की ऐसी गोलियां बना लूंगी, ऐसे गोल गोल इन सब की, और तल के फिर मिलती हूँ आपसे। डाल दूँ ये पेस्ट, इनका सिप कैसे भी दे सकते हो, मैं लेट हो गई तो मैंने ऐसे दे दिया, वैसे बनाने में बहुत टाइम लगता इसलिए मैंने ऐसे सिप दे दिया। नीचे आपको दिखाने के लिए गोल दिया था, बाद में ऐसा कर दिया। कैसा भी दे सकते हो आप, मांस को कर लेंगे तेज। इसमें सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगाया मैंने, इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, लगभग 10 मिनट। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और ये बनके तैयार है। और कोफ्ते डाल दिए, इतने बचा लिए, ऐसे ही खाए जाएंगे। और ये मैंने डाल दिए, और इसमें थोड़ी सी मैं गुलगाड़ी हो गई है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और रखा रहना होंगे ताकि मिल जाए आपस में, और जो ठंडी हुई है मलाई भी पक जाएगी। देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक इसको रख दूँ। बना रही हूँ रोटियाँ, मैं रोटियाँ बना रही हूँ, ये मेरी जल गई, देखो वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी जल गई, और ये इंतज़ार में। कैसी लगी मेरी सब्ज़ी कमेंट करके बताना। सूप मैंने आधा सील लिया है, और आधा कल सीलूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक बाय।